हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए TLC एंड DLC। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है TLC एंड DLC। फ्रेंड्स, मेरे सब्सक्राइबर्स ने मुझे सजेस्ट किया कि उन्हें TLC एंड DLC पढ़ना है, और थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया। इसके व्यू बहुत अच्छे व्यू हैं, जैसे मेरे जितने भी वीडियोस बनी हैं उसके व्यूज़ बहुत अच्छी हैं, एंड थैंक यू सो मच चैनल को आगे बढ़ाने के लिए। सो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे TLC एंड DLC। सो फ्रेंड्स, TLC होता है हमारा टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, एंड DLC होता है हमारा डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। जो हमारा ल्यूकोसाइट होता है फ्रेंड्स, ल्यूकोसाइट क्या होता है हमारा? ल्यूकोसाइट होता है हमारा WBC, यानी वाइट ब्लड सेल। ओके, इसमें क्या है, हम इसमें पढ़ेंगे TLC के अंदर हम टोटल ल्यूकोसाइट काउंट पढ़ेंगे, और DLC के अंदर हम डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट पढ़ेंगे। डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट के अंदर हमारा एसिनोफिल, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, एसिड, साइनोफिल्स, ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा आता है डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट में, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे फर्स्ट टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, ये हमारा फर्स्ट, ये हमारा सेकंड। फ्रेंड्स, मेनली क्या होता है, जो CBC का टेस्ट होता है कंप्लीट ब्लड काउंट के अंदर, हमारे क्या होते हैं ये पैरामीटर आते हैं TLC एंड DLC, इनके काउंट्स होते हैं। जब भी बॉडी में कुछ एबनॉर्मल फंक्शंस हो रही होती है हमारे ब्लड के अंदर, तो क्या होता है, जो टोटल ल्यूकोसाइट है और डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट है, ये क्या आते हैं, कभी इनकी एबनॉर्मल वैल्यूज आती हैं, कभी नॉर्मल से ज़्यादा आती हैं, और कभी नॉर्मल से कम आती है, यानी एबनॉर्मल आती है इन डिजीज केस में। ओके फ्रेंड्स, हम इसकी कंडीशन लेते हैं एक। अगर मान लीजिए ल्यूकोसाइट काउंट इंक्रीज द नॉर्मल नंबर या नॉर्मल रेंज आप लिख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड, क्या कहेंगे हम, जब नॉर्मल रेंज से ल्यूकोसाइट काउंट इंक्रीज हो जाता है मोर देन, अगर हमारी ब्लड में टोटल ल्यूकोसाइट काउंट है वो नॉर्मल लेवल से ज्यादा है, इंक्रीज है, तो क्या कहेंगे हम उसे, ल्यूकोसाइटोसिस। ल्यूकोसाइटोसिस के केस में क्या होता है, ये एक एबनॉर्मल डिजीज है, एबनॉर्मल वैल्यू है, जिसको हम कहते हैं ल्यूकोसाइटोसिस। इसके अंदर क्या होता है, जो WBC की रेंज है वो नॉर्मल लेवल से इंक्रीज हो जाती है। इट मीन्स अगर वो 4000 टू 11000 है, दैट इज नॉर्मल, बट क्या होता है, इंक्रीज 10000 से भी ज्यादा हो जाती है, 20000 50000 समथिंग। ये किस केस में होता है, कैंसर के केस में ज्यादा होता है, जब WBC की रेंजेस बढ़ जाती है इन ह्यूमन बॉडी के अंदर। ओके फ्रेंड्स, सो हमारा सेकेंड है डिक्रीज लेवल ऑफ ल्यूकोसाइट। जो डिक्रीज लेवल है ल्यूकोसाइट का, यानी लेस देन 4000, सो इसको क्या कहेंगे हम, ल्यूकोपेनिया। ल्यूकोपेनिया क्या होता है, इस केस में जो WBC है वो डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। अब हमारा कॉजेज ऑफ ल्यूकोसाइटोसिस, ल्यूकोसाइटोसिस के केस में क्या होगा, जब बैक्टीरिया हमारे बॉडी में एंटर करेगी तो WBC प्रोडक्शन क्या होगी, ल्यूकोसाइटोसिस के केस में इंक्रीज हो रही है, इट मीन्स एबनॉर्मल बन रही है हमारी बॉडी में, कंटिन्यूअसली बन रही है WBC, तो इस केस में क्या होगा, जो इन्फेक्शन की सीवियरिटी है उसे इंक्रीज कर देगी, मतलब जो बॉडी में इन्फेक्शन हो रहा है उसे इंक्रीज कर देगी रोकने के जगह। सो इन्फेक्शन कौन कौन से हो सकते हैं हमारी बॉडी में, बैक्टीरियल, वायरल एंड पैरासाइटिक, ये इन्फेक्शन हो सकते हैं इन द केस ऑफ ल्यूकोसाइटोसिस के केस में। सो इसमें प्रोटोजोअल भी हो सकता है, प्रोटोजोअल में क्या, मलेरिया। ओके फ्रेंड्स, मलेरिया भी हो सकता है। सो इसका पैथोलॉजिकल कंडीशन क्या है,
पैथोलॉजिकल कंडीशन में हमारा क्या क्या आ गया, बैक्टीरियल, वायरल, पैरासाइटिक एंड प्रोटोजोअल, जो हमारा इन्फेक्शन कॉज करेगा. सो अब हमारा आता है फिजियोलॉजिकल. फिजियोलॉजिकल में क्या होता है, इसमें टेम्परेचर हाई हो जाएगा, इंक्रीज टीएलसी यानी टोटल ल्यूकोसाइट इंक्रीज हो जाएगा. ये हमारा फिजियोलॉजिकल कंडीशन है जिसमें क्या होगा, जो टेम्परेचर है, बॉडी टेम्परेचर है वो हाई हो जाएगा और जो फिजियोलॉजिकल जो हमारा जिसमें टीएलसी है, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, ये क्या होगा हमारा, ये भी इंक्रीज हो जाएगा. फ्रेंड्स ये इंक्रीज का साइन है, ठीक है. और इसमें क्या होगा, बॉडी में सीवियर पेन होगा. अगर बॉडी का टेम्परेचर हाई हो रहा है तो हमारी बॉडी में फटिंग होगा, पेन होगा, ठीक है. इसमें मस्कुलर एक्सक्रीशन भी होगा, मसल में खिंचाव भी होगा, ठीक है. ये था हमारा कॉजेज ऑफ ल्यूकोसाइटोसिस, जिसके अंदर क्या होता है, जो टीएलसी काउंट है वो नॉर्मल रेंज से इंक्रीज हो जाता है, ठीक है. फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं. कॉजेज ऑफ ल्यूकोपेनिया, ये क्या होता है, जो सर्टेन वायरल एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन लीड टू ल्यूकोपेनिया. इसमें क्या होगा, जो वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा उसको लीड करेगा, यानी उसे और ज्यादा बॉडी में सर्कुलेट होने देगा. सो इसकी डेफिनेशन आप लिख लो कॉजेज ऑफ ल्यूकेमिया की. यहाँ पर मैं एक छोटी सी नोट लिखवा रही हूँ, ओके. सर्टेन वायरल एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन लीड टू ल्यूकोपेनिया, ये क्या करेगा, ल्यूकोपेनिया को हमारे बॉडी में कॉज कर, जब भी हमारा क्या होगा, टीएलसी डिक्रीज होगा तो हमारी बॉडी में क्या है, बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन होंगे. उसको क्या करेगा, हमारी बॉडी में अगर डब्ल्यूबीसी नहीं है, मान लीजिए बहुत कम प्रोडक्शन हो रही है डब्ल्यूबीसी की, या फिर नहीं है, तो हमारे बॉडी के अंदर काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन हो सकते हैं, ठीक है. इसमें इन्फेक्शंस कौन कौन से हैं, बैक्टीरियल, एनीमिया भी हो सकता है, ओके. एनीमिया यानी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, ओके फ्रेंड्स. ये था हमारा कॉजेज ऑफ ल्यूकोपेनिया. इस केस में क्या होगा, टीएलसी डिक्रीज होगी, और ल्यूकोसाइटोसिस में क्या होता है, हमारी टीएलसी इंक्रीज होती है. सो अब मैं बता रही हूँ आपको नॉर्मल रेंजेस ऑफ टीएलसी, ओके फ्रेंड्स. ये है हमारे नॉर्मल रेंजेस ऑफ टीएलसी इन ह्यूमन बॉडी. सो फर्स्ट है हमारा एडल्ट. एडल्ट के अंदर कितना होना चाहिए टीएलसी, आप जानते हैं टोटल ल्यूकोसाइट काउंट हमारी बॉडी के अंदर कितनी नॉर्मल रेंजेस होनी चाहिए इन एडल्ट के अंदर, जो बड़े हैं, बड़े हैं उनके अंदर होना चाहिए 4,000 to 10,000. हम इसे लिखते हैं पर कुलम एमएम, इसे हम माइक्रोलीटर भी लिखते हैं, ठीक है फ्रेंड्स. 4,000 to 10,000, अगर ये जो नॉर्मल रेंजेस हैं 4,000 से नीचे हो गया तो इसे ल्यूकोपेनिया बोलेंगे, अगर ये 10,000 से ऊपर हो गया तो इसे ल्यूकोसाइटोसिस बोलेंगे, ठीक है फ्रेंड्स. अब आता है सेकंड हमारा एट बर्थ. एट बर्थ में क्या होता है, 10,000 to 25,000 पर कुलम एमएम माइक्रोलीटर. सो जो एट बर्थ होता है उस टाइम पे क्या होता है, बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, इसलिए बेबी के बॉडी में ब्लड की प्रोडक्शन, बाकी डब्ल्यूबीसी की प्रोडक्शन थोड़ी ज्यादा होती है. आप देखेंगे कि डब्ल्यूबीसी, आरबीसी हो गई, डब्ल्यूबीसी हो गई, प्लेटलेट हो गया, बेबी में काफी ज्यादा प्रोडक्शन होती है एट बर्थ, ओके फ्रेंड्स. सो थर्ड है हमारा 1 to 3 year. 1 to 3 year में क्या होता है, 6,000 to 18,000 पर कुलम
एमएम माइक्रोलीटर, ठीक है। फोर्थ है हमारा, अब 1 to 3 एज के हो गए, अब 4 to 7, एंड फिफ्थ है हमारा 8 to 12, ठीक है। इसके बाद हमारे एडल्ट आ जाते हैं, उसके बाद आपको पता है एडल्ट का कितना होता है, 4 to 7 का कितना हो सकता है, इसमें आएगा हमारा 6000 to 15000, ओके, कूलम पर एमएम, इसे माइक्रो लीटर भी कहते हैं, ठीक है। अब हमारा आ जाता है 8 to 12 ईयर, यानी इसमें कितने रेंजेस होगी, 4000 to 13000 पर कूलम एमएम माइक्रो लीटर, ठीक है फ्रेंड्स। ये नॉर्मल रेंजेस है हमारी, किसकी, टीएलसी की नॉर्मल रेंजेस हैं, टीएलसी की सारी नॉर्मल रेंजेस हैं जो मैंने आपको अभी बताई हैं, ठीक है। सो फ्रेंड्स, मैंने आपको बता दिया टोटल ल्यूकोसाइट काउंट के बारे में, कॉजेज ऑफ ल्यूकोसाइटोसिस, कॉजेज ऑफ ल्यूकोपेनिया के बारे में बताया, नॉर्मल वैल्यूज बताई। अब हम बताएंगे कि इन द केस ऑफ, अगर कोई पेशेंट किसी डॉक्टर के पास जाता है, किसी टेक्नीशियन के पास जाता है, अपना अपना बताता है कि हाँ उसे ये प्रॉब्लम है, उसे ये प्रॉब्लम है, तो क्या डॉक्टर कौन सा स्पेसिमेन, कौन सा टेस्ट सजेस्ट करेगा। अगर डॉक्टर से टीएलसी सजेस्ट करता है किसी टेस्ट के लिए, तो टोटल ल्यूकोसाइट अगर वो पेशेंट करवाने जाता है तो स्पेसिमेन क्या लेंगे उसका टेस्टिंग के लिए। सो अब हमारा पॉइंट क्या है, स्पेसिमेन, हमें पता होना चाहिए कि हमें स्पेसिमेन क्या लेना है, ठीक है। स्पेसिमेन क्या लेंगे इस केस में, टीएलसी में हम स्पेसिमेन क्या लेते हैं, फर्स्टली तो हम लेंगे ईडीटीए ब्लड, इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड, ये हमारी ईडीटीए की फुल फॉर्म है। ईडीटीए की वायल आती है, आप ब्लड कलेक्शन की वीडियोस देखिएगा, मैंने हेमाटोलॉजी में बनाई है, उसमें मैंने आपको सारी ट्यूब्स के बारे में बताया है, कलेक्शन में भी सारी ट्यूब्स के बारे में बताया है। ईडीटीए हमारी ट्यूब है जिसके अंदर हम ब्लड सैंपल लेंगे फॉर टीएलसी, टीएलसी टेस्ट करने के लिए हम ईडीटीए, ईडीटीए की फुल फॉर्म क्या है फ्रेंड्स, इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड। ये एग्जाम्स में और इंटरव्यूज में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, ऑर्डर ऑफ ड्रॉ भी बहुत पूछा जाता है। अगर आपको ऑर्डर ऑफ ड्रॉ पे भी वीडियोस चाहिए तो मैं आपको बना दूंगी, आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और हमें ब्लड कहाँ से लेना है, हमेशा कैपिलरी ब्लड लेनी है, कैपिलरी ब्लड कलेक्शन, ठीक है फ्रेंड्स, कैपिलरी ब्लड कलेक्शन। कैपिलरी ब्लड कलेक्शन क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर हम फिंगर प्रिक करते हैं तो ब्लड का अमाउंट बहुत कम आता है, क्योंकि हमें टीएलसी करने के लिए अमाउंट ज्यादा चाहिए ब्लड का, ठीक है। इसमें क्या होगा, नॉन फास्टिंग सैंपल लेते हैं, हम फास्टिंग सैंपल नहीं लेते। अगर हम शुगर टेस्ट कर रहे हैं, ग्लूकोज फास्टिंग कर रहे हैं, तो उसके अंदर फास्टिंग की रिक्वायरमेंट होती है, लिपिड प्रोफाइल के अंदर फास्टिंग की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल वगैरह करते हैं हम, इसलिए। अब हमारी रिक्वायरमेंट्स, मीन्स रिक्वायरमेंट्स का मतलब ये है कि हमें जब हमने सैंपल ले लिया उसकी टेस्टिंग करेंगे, सो हम उसकी टेस्टिंग किस किस चीज से करेंगे, उसकी रिक्वायरमेंट क्या होगी। जो क्योंकि टीएलसी क्या है हमारा, थ्योरेटिकली है पर ये प्रैक्टिकली ज्यादा है, ठीक है। सो इसमें हमारे माइक्रोस्कोप की जरूरत है एंड न्यूबर्स चैम्बर क्या है, इसको चार्ज करना पड़ता है हमें टीएलसी देखने के लिए। टीएलसी क्या है, व्हाइट ब्लड सेल है, व्हाइट बीट की पिपेट आती है जिसमें क्या होता है, सॉल्यूशन आता है हमारा टर्क्स फ्लूड एंड हेम्स फ्लूड, उसमें हम उसे मिक्स करते हैं एंड देन क्या होता है, हम उस पे न्यूबर्स चैम्बर के ऊपर कवर स्लिप रख के उसमें हम ये सॉल्यूशन डालते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, माइक्रोस्कोप में फोकस करते हैं और कोई एक साइड देखते हैं, ठीक है। उस साइड पे हमें WBC जितने भी TLC है वो काउंट करने होते हैं। ये किसके जरिए हो सकता है, माइक्रोस्कोप में फोकस करते हैं, ठीक है, माइक्रोस्कोप में फोकस करके। ओके फ्रेंड्स, ये था हमारा TLC। अब हम पढ़ते हैं DLC, डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट के अंदर हमारे कई सारे सेल्स आते हैं, ठीक है। सो सेकेंड है हमारा DLC, डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट।
डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट, इसका मैं पहले बताऊंगी आपको क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है फ्रेंड्स इसके, जो डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट है मेनली क्या है, व्हाइट ब्लड सेल काउंट। डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट क्या है, व्हाइट ब्लड सेल काउंट। इसमें हम क्या करते हैं, व्हाइट ब्लड सेल काउंट को काउंट करते हैं, व्हाइट ब्लड सेल को काउंट करते हैं किसकी हेल्प से, एक विजुअल एग्जामिनेशन होती है ब्लड फिल्म्स की, हम एक ब्लड फिल्म बनाते हैं। इट मींस आपने न्यूबर्स चैम्बर को चार्ज किया तो एक तरह से आपने वो फिल्म बनाया, ब्लड फिल्म। लेकिन जब डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट है, इसे हम न्यूबर्स चैम्बर पे नहीं करते, इसके लिए हम स्लाइड बनाते हैं। स्लाइड हम कह सकते हैं जो हम स्मियर, आप जानते हैं थिक एंड थिन स्मियर बनती है, लेकिन हमें इसके लिए थिन स्मियर बनानी होती है। और इसके इसकी क्या आइडेंटिफिकेशन हम किस में करते हैं, माइक्रोस्कोप में करते हैं। ओके सो इसके लिए क्या होता है, इसके लिए आपको टेक्निक होनी चाहिए। इसमें स्प्रेडर होता है, स्प्रेडर टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या स्प्रेडर टेक्निक, जिसे स्प्रेड टेक्निक आती है वो स्लाइड बहुत अच्छे से बना सकता है। स्लाइड कैसी होती है फ्रेंड्स, आपने देखी होगी स्लाइड, ग्लास की होती है जिसमें हम स्मियर बनाते हैं। स्मियर कैसी होनी चाहिए, इसकी हेड एंड टेल ऐसी होनी चाहिए, यहां से हल्की थीक हो सकती है बट यहां बिल्कुल स्मूथ होनी चाहिए, ताकि हम फोकस भी यही करते हैं, इसी जगह पे फोकस करते हैं इन स्लाइड के ऊपर। तो ये हमारी स्लाइड है और ये हमारा ब्लड स्मियर है, ठीक है। सो इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस यही है कि जो डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट है, ये मेनली क्या करते हैं, ये एक टेक्निक है जिसमें हम ब्लड, जो व्हाइट ब्लड सेल है उसको हम, उसके डिफरेंशियल जितने भी सेल्स हैं व्हाइट ब्लड सेल्स में, उसको हम काउंट करते हैं। कैसे, स्प्रेडर टेक्निक से। स्प्रेडर टेक्निक से कैसे, हम एक स्लाइड लेते हैं, स्लाइड में क्या क्या हमने स्मियर बनाया, स्मियर बनाने के बाद क्या करते हैं, हम उसे फोकस करते हैं इन माइक्रोस्कोप, ठीक है। सो ये किस चीज में हेल्प करता है हमारी, ये हेल्प करेगा आपकी डिजीज़ में। अगर बाय चांस किसी पेशेंट को कोई डिजीज है, सो उसमें क्या होगा, जो डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट है वो कम आएगा या ज्यादा आएगा, ठीक है। सो ये डिस्टर्बेंस, जो भी डिस्टर्बेंस हो रही है हमारे सेल के अंदर रिलेटेड टू स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिसऑर्डर्स, बहुत सारे डिसऑर्डर्स हैं जो मतलब सेल्स के जरिए ही होते हैं, इसमें क्या होता है, ये आइडेंटिफाई करने के लिए हेल्प करता है। इसमें हम क्यों करते हैं लैब में टेस्ट, ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें कि जो हमारी बॉडी में जो भी एबनॉर्मल चीज़ें हो रही हैं वो किस वजह से हो रही हैं, ताकि हम उसमें इम्प्रूवमेंट कर सके। कोई मेडिसिन लेके हम डॉक्टर से हम टेस्ट लिखवाते हैं, फिर डॉक्टर हमें सजेस्ट करता है कि हमें क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट में क्या होता है, सेल्स की एबनॉर्मलिटी का पता चलता है कि हमारी बॉडी में किस तरह से काम कर रही है, डिस्टर्बेंस कैसे हो रही है हमारे सेल्स के अंदर, और डिसऑर्डर्स क्या क्या हैं, ठीक है। सो जो हमारा डीएलसी है, मेनली कितने टाइप के हैं, ये 5 टाइप्स के हैं, डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट, हम इसको सेल्स भी बोल सकते हैं। सो फर्स्ट सेल है हमारी न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स हमारी फर्स्ट सेल है, ठीक है। एंड सेकंड है हमारी लिम्फोसाइट, थर्ड है हमारी एसिनोफिल, ठीक है। एंड फोर्थ है हमारी मोनोसाइट, मोनोसाइट। एंड लास्ट है हमारी बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, एसिनोफिल, मोनोसाइट, बेसोफिल्स, ये सारी क्या है हमारी डीएलसी सेल्स हैं, ठीक है। डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट के अंदर हमारी ये सारी सेल्स आती हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम इनके बारे में स्टडी करेंगे, इनके एबनॉर्मल डिजीजेस के बारे में। डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट के अंदर हम पढ़ेंगे कॉजेस ऑफ डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। पहले हमने कर पढ़ा कॉजेज ऑफ ल्यूकोसाइटोसिस, ल्यूकोपेनिया, अब हम पढ़ेंगे कॉजेज ऑफ डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट, यानी अब हम पढ़ेंगे कॉजेज ऑफ डीएलसी। कॉजेज ऑफ डीएलसी के अंदर क्या आता है हमारा, एबनॉर्मल साइट्स आएंगे, मतलब एबनॉर्मल सेल्स आएंगे। मैंने आपको बताया पहले न्यूट्रोफिल, सो न्यूट्रोफिल का क्या होगा, न्यूट्रोफिल का डिजीज
जो, जिसमें क्या होगा, फर्स्ट सेल हमारा न्यूट्रोफिल है। अगर इन बॉडी जब हम चेकअप करवाते हैं डॉक्टर से, सो अगर हमारी न्यूट्रोफिल जो है वो इंक्रीज आती है, मतलब इंक्रीज नंबर ऑफ न्यूट्रोफिल्स इन ह्यूमन बॉडी, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रोफिलिया। ये क्या है, न्यूट्रोफिलिया एक डिजीज है जिसके अंदर क्या होता है, जो न्यूट्रोफिल्स हैं उसके नंबर क्या होते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं नॉर्मल नंबर से ऊपर, ठीक है। सो अब हमारा सेकंड कंडीशन क्या आता है, डिक्रीज नंबर ऑफ न्यूट्रोफिल इज ऑब्जर्व इन इन्फेक्शन सच एज। अब जो हमारा डिक्रीज नंबर ऑफ न्यूट्रोफिल्स है, ये किस में ऑब्जर्व करेंगे, किस केस में ऑब्जर्व करेंगे, एज अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ये क्या हो सकता है, टाइफॉइड हो सकता है, ठीक है, वायरल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन में आता हमारा इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा हमारा वायरल इन्फेक्शन होता है, ठीक है। सो न्यूट्रोफिल्स में जो इंक्रीज नंबर ऑफ सेल्स हो जाती है, न्यूट्रोफिल सेल्स जब इंक्रीज हो जाता है इन डिफरेंशियल काउंट के अंदर हमारी बॉडी में, सो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रोफिलिया। न्यूट्रोफिलिया इज अ डिजीज कंडीशन इन द केस ऑफ इंक्रीज नंबर ऑफ न्यूट्रोफिल्स प्रेजेंट इन ह्यूमन ब्लड, ओके। सो इसमें क्या होगा, डिक्रीज नंबर ऑफ न्यूट्रोफिल्स के अंदर जब ह्यूमन बॉडी में बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन होंगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रोफिल्स डिक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। इससे हमें ये पता चल जाएगा कि उसको किसी बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन उसकी बॉडी में हुआ है, ठीक है। अब आता है हमारा सेकेंड, इसाइनोफिल। इसाइनोफिल इसमें क्या होगा, अगर इसाइनोफिल की वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज होती है तो उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, इसाइनोफिलिया। इसाइनोफिलिया एक डिजीज कंडीशन है, ये ऑब्जर्व होता है मेनली अस्थमा में और पैरासाइटिक इन्फेक्शन में, इन्फेक्शन में, ठीक है। इसाइनोफिल हमारा सेल है, इसाइनोफिलिया एक डिजीज कंडीशन है, इन अस्थमा एंड पैरासाइटिक इन्फेक्शन में ये इसाइनोफिलिया कहलाता है, ठीक है। इसाइनोफिल्स जो है उसका नंबर ऑफ काउंट्स इंक्रीज या डिक्रीज इन द केस ऑफ पैरासाइटिक इन्फेक्शन एंड अस्थमा के केस में क्या होता है, इसका लेवल इंक्रीज या डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। ये हमारा इसाइनोफिल्स था। अब हम पढ़ते हैं मोनोसाइट। मोनोसाइट हमारा थर्ड है। मोनोसाइट हमारा सेल है जिसमें क्या होगा, इसके डिजीज्ड कंडीशन क्या है, मोनोसाइटोसिस। मोनोसाइटोसिस, मोनोसाइटोसिस जो है मेनली किसमें देखेगा, टीबी क्या हो गया हमारा, ट्यूबरक्लोसिस एंड इन द बैक्टीरियल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन एंड टाइफॉइड के केस में, काला आजर के केस में भी। काला आजर क्या होता है फ्रेंड्स, फीवर हो गया आपका, इस कंडीशन को हम काला आजर भी बोलते हैं इन साइंटिफिक ने, ओके। सो मोनोसाइट क्या होता है, मोनोसाइट जो है सेल है हमारा जिसे हम मोनोसाइटोसिस कहते हैं, डिजीज कंडीशन में, किस कंडीशन में मोनोसाइट जो है उसकी वैल्यूज इंक्रीज या डिक्रीज होती है, पैथोलॉजिकल कंडीशन क्या है इसकी, इसमें ट्यूबरक्लोसिस के केस में क्या होता है, इसकी वैल्यूज इंक्रीज या डिक्रीज हो सकती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के केस में, टाइफॉइड के केस में और कालाजर के केस में क्या होता है, इसकी वैल्यूज इंक्रीज या डिक्रीज आती है, ठीक है, रिपोर्ट्स में, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं बेसोफिलिया। बेसोफिल्स का डिजीज नाम क्या है, डिजीज जो बेसोफिलिया,
बेसोफीलिया डिजीज कंडीशन है जिसके अंदर क्या होता है, इसकी वैल्यूज इंक्रीज भी होती है एंड डिक्रीज भी होती है. सो इसमें क्या होगा, ये ऑब्जर्व होता है क्रोनिक मायेलर ल्यूकेमिया. ल्यूकेमिया फ्रेंड्स आपको पता है ल्यूकेमिया का केस क्या है. ल्यूकेमिया के अंदर क्या होता है, जो सेल्स हैं वो एबनॉर्मल सेल्स की प्रोडक्शन हो जाती है, ठीक है, इन द केस ऑफ ल्यूकेमिया यानी एनीमिया के केस में. मैंने आपको ल्यूकेमिया चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ाया था इन हेमेटोलॉजी के अंदर. अगर आप उसे देखना चाहते हैं, उस वीडियो को देखना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक शेयर किया हुआ है, आप वहां से ल्यूकेमिया चैप्टर इजिली देख सकते हैं. आपको पता है कि ल्यूकेमिया के अंदर क्या होता है, एबनॉर्मल सेल्स की प्रोडक्शन यानी WBC की एबनॉर्मल प्रोडक्शन के कारण ही क्या होता है, कैंसर कॉज होता है, जिसको हम ल्यूकेमिया भी कहते हैं. ये एनीमिया के केस में भी हो सकता है, जिसमें WBC क्या है, RBC क्या है, उनकी जो नॉर्मल रेंजेस है काफी कम हो जाती है. ठीक है फ्रेंड्स, मेनली क्या हो गया, ल्यूकेमिया के अंदर देखा जाता है ल्यूकेमिया. ओके, क्या आता है हमारा डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट के अंदर. अब हम पढ़ेंगे डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट जितने भी सेल्स हैं उनकी नॉर्मल रेंजेस क्या है, उनकी नॉर्मल रेंजेस क्या आनी चाहिए इन रिपोर्ट्स में. सो अब हम पढ़ेंगे नॉर्मल वैल्यूज. नॉर्मल वैल्यूज क्या है फ्रेंड्स, न्यूट्रोफिल का, इसनोफिल, बेसोफिल, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट. सो ये हमारे सेल्स हैं, ये हमारे सेल्स हैं, ठीक है. न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स कितनी रेंज में आनी चाहिए, बेसिकली क्या होता है, हम इसे परसेंटेज में लेते हैं. सो 40-75% ये इसकी नॉर्मल रेंज है. अगर इससे अपर आती है या इससे लो आती है तो ये न्यूट्रोफिलिया है. न्यूट्रोफिलिया मीन्स डिजीज कंडीशन जो बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन कॉज करता है इन ह्यूमन बॉडी के अंदर. अगर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है, वायरल इन्फेक्शन हुआ, टाइफाइड हुआ है, कोई भी डिजीज हुई है जिसमें क्या होता है, इसकी वैल्यूज क्या होती हैं, अपर आती है, लोअर आती है नॉर्मल रेंज से, ठीक है. सो इसाइनोफिल, इसाइनोफिल कितना आता है, 1-4%. फ्रेंड्स ये इंटरव्यू में पूछा जाता है काफी जगहों पे. क्या होगा, अपन नॉर्मल जो रेंजेस हैं वो अलग अलग दिखेंगी, रेफरेंस वैल्यूज सबके अलग अलग हर जगह दिखते हैं, बुक्स में कहीं दिखेगी, गूगल पे कहीं दिखेगी. सो आप एक पर्टिकुलर कहीं एक जगह से रीड कीजिए जो भी नॉर्मल रेंजेस आप रीड करें, वरना कंफ्यूज हो सकते हैं आप, क्योंकि मैं यहाँ पे कुछ बता रही हूँ वहाँ कुछ और है, वहाँ कुछ और है. सो इसाइनोफिल का जो नॉर्मल रेंज है काफी जगह पूछा जाता है, 1-4% आता है. और जो हमारा बेसोफिल है ये 0-1% आता है, ठीक है, 0-1%. और जो हमारा लिम्फोसाइट है वो 20-45% आता है, ठीक है. और हमारा मोनोसाइट 2-8%. सो ये टोटल मिला के हमारा टोटल 100% आता है, ठीक है. जब भी आप देखेंगे कहीं लैब में तो CBC की जो जिसमें डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट है इसकी टोटल वैल्यूज कितनी बताते हैं, 100% बताते हैं, ठीक है. मतलब वैल्यूज चाहे कुछ भी हो उसका 100% आना है, ठीक है, उसको कैलकुलेट करके, ठीक है. सो ये था हमारा डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट का, जिसमें 5 सेल्स हैं इसके नॉर्मल रेंजेस, ठीक है. अब फ्रेंड्स पढ़ते हैं हम स्पेसिमेन. बहुत ज्यादा जरूरी है स्पेसिमेन कहाँ से कलेक्ट करना है, कैसे कलेक्ट करना है, किसमें कलेक्ट करना है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. ओके, सो ब्लड कलेक्शन विद वेन पंचर. सो व्हाट, ब्लड कलेक्शन विद वेन पंचर, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है. वेन पंचर बोल सकते हैं, कैपिलरी ब्लड कलेक्शन बोल सकते हैं, इट मींस सेम है. सो इसमें क्या होता है हमारा, अब हम डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट कर रहे हैं, TLC, DLC और हमारा जो प्लेटलेट वगैरह हो गया, ये हमारे CBC के पार्ट है. सो CBC का सैंपल किस में लेते हैं, EDTA सैंपल. सो
EDTA ट्यूब रिक्वायर्ड, EDTA ट्यूब रिक्वायर्ड है इन द केस ऑफ डीएलसी, जब हम डीएलसी टेस्ट कर रहे हैं. सो इसमें क्या होगा, हमारा रिक्वायर्ड होगा EDTA सैंपल यानी इथाइलिन डायमाइन टेट्राएसिटिक एसिड. ठीक है, सो जब हम ब्लड कलेक्शन कर लेंगे तो क्या करना है, स्मेयर बनाएंगे. स्मेयर कब बनाना है, सो स्मेयर शुड बी प्रिपेयर्ड जब हम कलेक्शन करेंगे ब्लड कलेक्शन के जस्ट इमिडिएटली बनाना है 1 to 2 hours में. ठीक है, अगर हमने 1 to 2 hours कलेक्शन करे हुए हो गया उस टाइम आपका स्मेयर बन चुका होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, स्मेयर अच्छी नहीं बनेगी और रिजल्ट भी अच्छा नहीं आएगा. सो हम क्या लिखेंगे, स्मेयर शुड बी प्रिपेयर्ड विद इन 1 to 2 hours आफ्टर ब्लड कलेक्शन. सो स्मेयर शुड बी प्रिपेयर्ड विद इन 1 to 2 hours आफ्टर ब्लड कलेक्शन. तो क्या करेंगे आप, जब स्मेयर बनाएंगे उससे पहले क्या होगा, जब हम ब्लड कलेक्शन करेंगे उसके 1 to 2 hours बाद ही आप स्मेयर बनाएंगे. ठीक है, सो जब हम स्मेयर प्रिपेयर कर लेंगे, अब हमने ब्लड सैंपल के लिए कंटेनर ले लिया, EDTA ट्यूब ले लिया, आपने ब्लड कलेक्शन भी कर लिया, आपने स्मेयर भी बना लिया, अब उसे फिक्स भी तो करना है. सो जैसे ही आपने ब्लड स्मेयर बनाया, मान लीजिए आपने ब्लड स्मेयर बना दिया, उसके बाद क्या करना है, इमिडिएटली स्लाइड फिक्स करनी है. स्लाइड फिक्स विद, स्लाइड को किससे फिक्स करते हैं फ्रेंड्स, स्लाइड को हम फिक्स करते हैं मेथनॉल से. सो मेथनॉल से हम क्या करेंगे, स्लाइड को फिक्स करेंगे और क्या करेंगे, हम ऑब्जर्व करेंगे माइक्रोस्कोप के अंदर. अब देखो माइक्रोस्कोप के अंदर तो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, बट जब हमने EDTA सैंपल या स्मेयर बनाया, उसे मेथनॉल से फिक्स किया, तो हम किस में ऑब्जर्व करेंगे, माइक्रोस्कोप के अंदर 10x लेंस होता है, 40x लेंस होता है, नॉर्मल लेंस होता है, 100x लेंस होता है, तो हम इसे ऑब्जर्व करेंगे 100x लेंस में. ठीक है, माइक्रोस्कोप लेंस में. सो ये क्या होता है, हमारा ऑयल इमर्ज होता है, विद ऑयल इमर्जन. हंड्रेड एक्स हमारा विद ऑयल इमर्जन होता है. ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा जो टीएलसी एंड डीएलसी चैप्टर है वो यही क्लोज होता है. सो टीएलसी डीएलसी के अंदर हमारा इतना ही था, टोटल ल्यूकोसाइट एंड डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट के अंदर. तो मेरे पास जितने भी कंटेंट है, अगर वो आपके इनफ है तो आप मुझे बता दीजिए कमेंट बॉक्स में कि आपको अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे प्लीज बता दीजिए ताकि मैं उसका सॉल्यूशन आपको बता सकूं. और फ्रेंड्स चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करने के लिए मैं आपको थैंक्स कहना चाहती हूं. और प्लीज ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैं चाहती हूं कि मेरी वीडियोस उन बच्चों तक भी पहुंचे जो बच्चे और अच्छे से प्रिपेयर करना चाहते हैं या फिर किसी भी टॉपिक को इजीली समझना चाहते हैं. मेरे काफी फ्रेंड्स हैं जिन्होंने मुझे टीएलसी एंड डीएलसी बताने के लिए कहा, बेसिक सा चैप्टर है ये, बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि टीएलसी डीएलसी एक सीबीसी का पार्ट है, कंप्लीट ब्लड काउंट का एक पार्ट है, जिसके अंदर टोटल ल्यूकोसाइट काउंट आता है, हमारा डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट आता है. ये हमारा ल्यूकोसाइट से रिलेटेड है, डब्ल्यूबीसी से रिलेटेड है, इसमें हमें डिजीजेस पढ़नी है, इसमें हम टेस्ट भी करते हैं लैब में. सो ये बहुत ईजी है, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा. सो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं. अगर आपको कोई और भी टॉपिक पर समझना है इन हेमेटोलॉजी के अंदर, तो आप मुझे वीडियोस के कमेंट बॉक्स में आप मुझे टॉपिक लिखकर बता सकते हैं, मैं आपको वो वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगी. ठीक है फ्रेंड्स, ओके, थैंक यू सो मच.